आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को व्रत रखा जाता है। इस दिन को राधा अष्टमी के नाम से भी पूजा जाता है। आज के दिन राधा कुंड में स्नान करना बहुत ही शुभ माना जाता है और साल 2023 में 5 नवंबर रविवार के दिन अहोई अष्टमी का व्रत रखा जाएगा और इस दिन जो भी माताएँ होती हैं वो पूरे विधि विधान के साथ अहोई अष्टमी माता की पूजा करती हैं, भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती हैं और अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि और उनके सौभाग्य के लिए प्रार्थना करती हैं। कहते हैं संतान ही माँ बाप का सबसे बड़ी दौलत होती है। अगर संतान सुखी है तो माता सुखी रहती हैं। आइए सुन लेते हैं अहोई अष्टमी की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहू थी और एक बेटी थी। सब कोई मिट्टी लेने के लिए गई। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से शाहू का बच्चा मर गया। शाहू माता बोली कि तेरी कोख बांधूंगी, तो ननद ने अपनी सारी भाभियों से कहा, लेकिन ननद के बदले में अपनी कोख बंधवाने के लिए 6 भाभियों ने मना कर दिया। पर उसकी छोटी भाभी ने सोचा कि नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज़ हो जाएंगी, तो छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। अब उनके जो बच्चा होता हो इस माता 7 के दिन मर जाता। एक दिन उसने पंडिताइन बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरे बच्चे हो 7 के दिन मर जाते हैं। तब पंडिताइन बोली कि सुरभि गाय की सेवा किया कर, सुरभि गाय श्याव माता की सहेली है, वह तेरी कोख छोड़ देगी, तब तेरे बच्चा जी जाएगा। अब वह बहुत सुबह उठकर सुरभि गाय का सारा काम कर जाती। गौ माता बोली, आजकल कौन मेरी इतनी सेवा करता है, मेरी बहुएं क्या करेंगी, वो तो लड़ाई करती हैं, आज देखा जाए कौन सारा काम करता है। गौ माता ने खूब सुबह उठकर देखा कि एक साहूकार के बेटे की बहू है जो सारा काम कर जाती है। गौ माता बोली, तुझे किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना सारा काम करती है, मां क्या चीज़ मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली, मुझे वचन दो। गौ माता ने उसे वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली कि शाहू माता तुम्हारी सहेली है और शाहू माता के पास मेरी कोख बंधी हुई है, उसने मेरी कोख छुड़वा दो। फिर गौ माता उसे 7 समुंदर पार अपनी सहेली के पास ले गई, तो रास्ते में धूप थी इसलिए वह एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में सांप आया, पेड़ पर गरुण पखनी का बच्चा था जिसे वह डसने लगा, तो साहूकार की बहू ने सांप को मारकर डाल के नीचे फेंक दिया और बच्चे को बचा लिया। गरुण पखनी आई, आकर साहूकार के बेटे की बहू को चोंच मारने लगी, तो साहूकारनी बोली कि मैंने तेरा बच्चा नहीं मारा, सांप तेरे बच्चे को मार रहा था, मैंने तो तेरे बच्चे को छिपाया है। तब गरुण पखनी बोली, मांग क्या मांगती है। वह बोली कि 7 समुंदर पार शाहू माता रहती हैं, हमें तो तुम उनके पास पहुंचा दो। गरुण पखनी ने अपनी पीठ पर बैठाकर दोनों जनों को शाहू माता के पास पहुंचा दिया। शाहू माता बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। और शाहू माता बोली, मेरे सिर में बहुत जूं हो गई हैं। गौ माता बोली कि मेरे साथ जो है इससे जूं निकलवा ले, तो साहूकार की बहू ने उसकी सारी जूं निकाल दी। शाहू माता बोली कि तूने मेरी बहुत भलाई की, तेरे 7 बेटे 7 बहू हों। बहू बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 माता 7 बेटे ने 7 बेटे कहाँ से होंगे। शाहू माता बोली, क्यों नहीं होंगे। तब वह बोली, मुझे वचन दो। शाहू माता बोली, वचन ये वचन, वचन उकोतो धोबी कुंड पर कंकरी हो। जब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी है, तब शाहू माता ने कहा कि तूने तो बहुत मुझे ठगा, मैं तो तेरी कोख खोलती तो नहीं, लेकिन अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे बहू मिलेंगी, तू 7 उजमन करियो, 7 होई माता मांडियो, 7 कढ़ाई करियो। वह घर आई, देखा कि वहाँ 7 बेटे बहू बैठे हैं, बहू धन हो रहा है। उसने 7 हुई मांडी, कोई दीवार पर, कोई मटके पर, कोई कहीं, 7 उजमन करे, 7 कढ़ाई करें। उधर सारी देवरानी और जिठानी कहने लगी, जल्दी जल्दी चौका पूजा कर लो, नहीं तो वह सब रोने लग जाएंगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बेटे से कहा कि देख कर आओ, आज वह रोई क्यों नहीं। वह देख कर आकर बोला कि चाची तो हो ही मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। फिर दौड़ी दौड़ी जिठानी देवरानी गईं, उन्होंने देखा कि वह तो कोख छुड़वा लाई। वह सब बोली कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली कि मैंने तो कोख बंधाई नहीं, लेकिन शाहू माता के बच्चे मरने से मेरी कोख बंध गई थी, अब शाहू माता ने मुझे पर दया करके और मेरी कोख खोल दी है। हे शाहू माता, जैसे साहूकार की बहू की कोख खोली, ऐसे ही हमारी भी खोलना, सबकी खोलना,
कहते सुनता रहे हुंकारे भरते की खोलना, हमारे सारे परिवार की को खोलना, जय हो अहोई अष्टमी माता की। तो गाइस, कहानी सुनते समय शाहू बछड़ों का होना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना गाइस। और आगे भी मैं ऐसे ही त्योहारों की अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास लाती रहूँगी। तो देखने के लिए गाइस थैंक यू सो मच। और बस यहीं होती है मेरी कहानी ख़त्म। और आगे जैसे ही त्यौहार आएंगे तो वैसे ही मैं आपको हर त्यौहार की कहानी ऐसे ही सुनाती रहूँगी। और राधे राधे गाइस, आप सब के भी त्यौहार बहुत अच्छी तरह मने। तो उसके लिए बाय बाय गाइस एंड थैंक यू सो मच।